नमस्कार फ्रेंड्स, प्रकाश हियर, टैरो कार्ड रीडर। ये जो रीडिंग देख रहे हैं आप, ये उस व्यक्ति की है जो कि हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। बाकी सारे चोर हैं, यही अकेले ईमानदार हैं। इन ईमानदारी का सर्टिफिकेट पता नहीं भगवान से बनवा के लाए हैं, ये ऐसे ही दिखता है। अगर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में मास्टर है, हाँ बाद में भले ही सॉरी बोल देते हैं, लेकिन इल्ज़ाम ऐसे लगाएंगे जिसका कि कोई हिसाब नहीं। ऐसे दावे ठोकेंगे कि हाँ यही पक्का चोर है। बाद में जाके जब इनको अदालत में खींचा जाता है, मानहानि के दावे ठोके जाते हैं इनके ऊपर, तो मुंडी नीचे करके ये चुपचाप सॉरी बोल देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। तो कैसा रहेगा इनका ये पीरियड, आज से लेके तो 31 मई 2019 तक का इनकी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तीन राज्यों में देख रहा हूँ मैं। तो प्रेजेंट कैसा है, एडजस्टमेंट्स में लगे हुए हैं, किधर क्या झोल करना, किधर कैसे करना, सेटिंग करना, उसी में लगे हुए हैं। ये अच्छा खासा पैसा कमाते हुए दिख रहे हैं, ये कहीं से इनको आर्थिक धन लाभ होने वाला है 22 मई। देखना एक बार इलेक्शन वोटिंग होने के बाद बहुत बड़े बड़े दावे ठोकने वाले हैं ये, लेकिन क्या वो दावे पूरे होंगे। ये देखिए 23 मई का दिन कैसा रहेगा इनका, टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड यानी बैलेंस्ड, न इधर का न उधर का। ये अपने इनके आवाज़ भी थोड़ी सी कमज़ोर होगी उस दिन, ये जो जिस तरह से चिल्लाते हैं उस तरह से शायद चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि 24 मई का दिन डेथ कार्ड है। चलो भैया फिर से शुरू हो जाओ, फिर से लग जाओ काम में अगले चुनाव के लिए, क्योंकि ये चुनाव में तो अपनी कुछ चली नहीं ज़्यादा। 25 से 31 मई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कहीं ना कहीं वापस से काम पे एक्शन में लग जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा दिल्ली में, ये कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि फाइट कर रहे हैं, खड़े हैं डट के फाइट कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इनके विरुद्ध है। पंजाब, पंजाब में चैलेंजेस आर देयर, चैलेंजेस आर सर्टनली देयर, बट जो भी सीटें पिछली बार आई थी शायद उनमें से कुछ बचा ले, नई सीटें और आते हुए नहीं दिखती है। लेकिन अब बात आती है हरियाणा की, हरियाणा में ये देखिए मारा मारी, हरियाणा में ये फंस गए हैं। हरियाणा में कुछ भी हासिल नहीं होगा, इनको अंडा हासिल होगा। तो दिल्ली में चलो देखते हैं कार्ड निकाल के कि दिल्ली में क्या कम से कम एक सीट जीतेगी आम आदमी पार्टी लोकसभा की ये इलेक्शंस में 2019 के। स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड है, अगर ये कोई लेडी को कहीं से खड़ा करें, कोई स्ट्रांग लेडी को, तो शायद वो कुछ कर सकती है, बाकी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दिल्ली प्रदेश की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये कार्ड भी निकाल के देखते हैं। चलो जस्टिस कार्ड, एक्सेलेंट, गुड कार्ड। और दिल्ली प्रदेश की 7 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ओके टावर कार्ड, अभी अब क्या बोलूँ मैं, देखिए आपके सामने निकाले मैंने कार्ड्स, ठीक है।
अभी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी शायद एक आध सीट निकाल ले जाए, लेकिन कांग्रेस तो अंडा निकालते हुए दिख रही है। टावर कार्ड बुरी, तीसरे नंबर पे ना रह जाए कांग्रेस कहीं। तो बस यही है केजरीवाल साहब के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।